बताइए जरा। फर्स्ट राउंड ऑफ द टेक क्विज हैज बीन कंप्लीटेड एंड फॉर द सेकंड राउंड दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड दे हैव टू रीच द ऑडिटोरियम टुमारो बाय 10 एएम शार्प। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिस इज our demo structure of a homework writing machine. You can use this as a substitute of printer. And here we are also representing a drone model. Wire drone model. And you can fly. You can fly. Also, we are having this parallel circuit and series circuit connection. In parallel, what is the difference between parallel and series? In parallel circuit, the voltage is same, but the current is distributed. Hence, the bulb glow more. And if we remove one, the other will still grow. But in series, it will not happen. One bulb. मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्किट फॉर इलेक्ट्रिकल सर वॉटर जो भी आपको टाइपिंग चाहिए ऐसा ऑटोमेटिक। कौन स्कूल आपका? कौन स्कूल? सेंट जेवियर इंग्लिश हाई स्कूल। कहाँ का? हसमल। हसमल? हाँ। सेंट जेवियर वर्ल्ड हाई स्कूल। चलो डिटेल में बताओ। ये ड्रंक सीरो डिटेक्ट सेंसर है, जैसे कि इंडिया में ड्रंक एंड ड्राइव पर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है जैसे कि जैसे हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को पता है। तो ये क्या हमारा जो मैकेनिज्म रहेगा वो गाड़ी में इंस्टॉल रहेगा, तो जिससे कि अगर ड्राइवर अगर ड्रंक करके चलाने को ट्राई करेगा तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, चल रही हो तो गाड़ी रुक जाएगी और वो सारे मतलब कि इसको जो तो गाड़ी में सिस्टम लगाना पड़ेगा ना। हाँ। तो अगर जिसका गाड़ी जो ओनर है वो अगर खुद ऐसे करेगा फिर उसका तो तरीका उसको मालूम चल जाएगा ना। हाँ, मान लीजिए मेरा गाड़ी है, ठीक है, हमको मालूम है पीने से बजा बजेगा, बजा को ऑफ नहीं कर सकते। नहीं, मैंने तो ऑफ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑफ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा मतलब गाड़ी स्टार्ट होता होगा ना। हाँ, स्टार्ट ही रहेगा, जब तक गाड़ी रहेगा तब तक वो भी ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो ऑन कर दिया, मान लीजिए खुद मेरा गाड़ी है, खुद हम पे हम बोले कि चलो स्विच ऑफ कर दो, मतलब कंपनी से वो बंद कर आना पड़ेगा, सिस्टम कोई से रहेगा। थैंक यू। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अतुल। अतुल, एक स्कूल का नाम बताइए। बारेडिया स्कूल। थैंक यू। बच्चों की पब्लिक स्कूल कहाँ है? स्कूल न्यू बारेडिया रोड। बताइए आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है? हम लोगों का प्रोजेक्ट मेनली अभी जो रिसेंट इंडिया में मॉलेस्टेशन और रेप केसेस हो रहे हैं ना, उसको नज़र में रखते हुए हम लोग ने सेफ्टी डिवाइस बनाया है जिसका नाम है गार्डियन आई। ये गार्डियन आई का वर्क ये है ना कि जैसे कोई भी ऐसा सिचुएशन हुआ किसी भी गर्ल के साथ, तो सबसे पहले जो क्रिमिनल होता है ना वो आपका फ़ोन आपसे छीन लेगा, तो आप अपने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये डिवाइस आपका बॉडी पे कहीं भी आपके कम्फर्टेबिलिटी के हिसाब से फिट होगा, आपको सिर्फ एक साइन दिखाना है आपके सूटेबल हिसाब से जो आप सेंड किए उस डिवाइस में, वो साइन दिखाने के बाद वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा और इमीडिएटली 10 फोटोज ना भेज देगा कैप्चर करके। और अगर वो डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ना तो लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है उस चीज़ का, कोई भी फैमिली मेम्बर या पुलिस आपको देख सकता है कि आप कहाँ हैं एग्जैक्टली। और अगर डिस्ट्रॉय हो भी गया तो कोई बात नहीं, वो फोटोज चला गया उसके पास और लोकेशन भी चला गया तो वो ट्रेस हो जाएगा। जैसे हम लोग इसमें नॉर्मल विक्ट्री साइन यूज़ किया, जैसे विक्ट्री साइन को यूज़ करें हम लोग थ्रेशिंग शोल्ड 1 सेकंड का, 1 सेकंड के बाद वो कुछ पिक्स कलेक्ट करेगा और या ईमेल उसको सेंड कर देगा। हम लोग एक ग्रुप में सेंड कर सकते हैं जिसमें हम लोग लव एंड पुलिस मेंबर है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग इमरजेंसी कॉल करें, वो उसके पास कुछ चल जाएगा और उसके साथ एक लिंक भी जाएगा जिसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक कैमरा का लाइव स्ट्रीम होगा बॉडी का ऑपरेशन करके ना अलग से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ क्लिप से लगा सकते हैं। वो भी आइडेंटिफाई कर लिया तो कहाँ रखा? नहीं,
वो हम लोग अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया ना तो क्या होगा कि जैसे इमीडिएट वो जैसे दिखा ना तुरंत फोटो चला गया उसके पास, उसका फैमिली के पास, और लोकेशन भी चला गया, और बॉडी का किस पार्ट में वो तो सामने वाले को नहीं पता। हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, जब तक वो ढूंढेगा तब तक तो फोटो चला गया। तो और बाकी जैसे ही हम लोग करेंगे, हम लोग जैसे ESP32 हम लोग इसका जगह ESP32 MS8 यूज़ कर सकते हैं जो इसे 4 गुना छोटा है और इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थर्मल कैमरा यूज़ करेंगे जो बारिश में भी काम, बारिश में काम करेगा, लो लाइट क्वालिटी रहेगा, तो हम लोग उसके जगह थर्मल कैमरा और लाइफो बैटरीज यूज़ करेंगे पावर देने के लिए, जो एक दिन का पावर तो आराम से देगा, उसके बाद आप घर जाके उसको चार्ज कर लीजिए और नेक्स्ट डे वापस। और हम लोग नियो 6 MP मॉड्यूल यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग का डेली का पावर, ये सिर्फ हम लोग बनाए प्रोटोटाइप ना, ठीक है, इट इज जस्ट अ प्रोटोटाइप। एनी ड्रॉबैक्स? एनी ड्रॉबैक्स? कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि और अच्छा या फिर कुछ इसमें खराबी कमी हो सकता है? कमी क्या, तो हमको भी आप तो बहुत दिन से प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, हमको तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा ना, वैसे कल आएंगे, कल सवाल करेंगे हम, ठीक है। ऐसे हमको लगता है कि ये जो लगा रहे हैं ना, इसका इसे देखिएगा, कोई भी चोर चोरी करता है अभी तो बहुत चोर भी हाई प्रोफाइल हो गया, ठीक है, वो पहले ही मास्क ढक लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? मास्क तो ढक लेकिन सर लोकेशन तो चला गया ना, तब तक आपके फैमिली मेंबर आपके पास आ जाएंगे। हम लोग ना इसलिए आस पास पुलिस स्टेशन, इसलिए हम लोग ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, मतलब अगर जैसे मानिए हम लोग ग्रुप 10 पीपल का ग्रुप बनाते हैं और उसमें से जैसे हम लोग पुलिस को भी रखें, अगर पुलिस उस जगह पे एकदम लो टाइम में पहुंच सकता है, जैसे हम लोग अभी भी जस्ट 1 मिनट में पहुंच गया, तो हम लोग उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं, डेट्स हम लोग उसको ग्रुप में भेज रहे हैं। स्कूल क्या है बताइए? एक्चुअली हम लोग एक ऐप है जिसका नाम है प्रो वर्क। आजकल का बच्चा लोग का आदत हो गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले वो लोग फ़ोन स्क्रॉल करता है, फ़ोन लेके बैठ जाता है, दिन भर का उन लोग का होमवर्क वगैरह रहता है, कर नहीं पाता वो लोग, ठीक है। तो हम लोग का ऐप क्या करता है, जैसे कि ADHD, तो बेसिकली अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ADHD का, तो क्या है कि कोई भी स्टूडेंट है वो फोकस नहीं कर पाता है, वो उसका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, वो अलग अलग चीज़ के बारे में सोचते रहता है, तो हम लोग का ऐप इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो फोकस वे में अपना वर्क करे। ADHD मतलब इजिली कि ज़्यादा तक फोकस नहीं कर पाता, माइंड भटकते रहता है, जैसे क्लास में कोई बच्चा ध्यान दे रहा फिर ध्यान नहीं दे पाता वो। तो इस ऐप का काम होता है कि जैसे आप ऐप खोलेंगे वो एक क्वेश्चन पूछेगा आपका लाइफ से, क्वेश्चन कि आप क्या चीज़ की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, क्या रीज़न क्या आप फोकस नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को लेके फिर उस हिसाब से एक प्लानर बना देगा वो, डेली प्लानर। डेली प्लानर में उसका एक स्केड्यूल रहेगा, टाइप ऑफ स्केड्यूल, जैसे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ऐसा करके एक स्केड्यूल बना देगा। अब वो डे बाय डे जैसे स्केड्यूल कंप्लीट करेगा तो उसका एक स्ट्रीक बनेगा, स्ट्रीक मतलब एक ऐसा वो कंसिस्टेंट रहने के लिए, जैसे आप एक दिन कंप्लीट किए तो एक मार्क टिक हो गया, एक दिन आप पूरा अच्छा से किया, ऐसा करके 7 दिन का स्ट्रीक बनेगा। तो स्ट्रीक जैसे 7 दिन का, 1 सप्ताह का स्ट्रीक कंप्लीट किया तो उसका एक अचीवमेंट अलग होता है, जैसे शॉपिंग ऐप पे 20% ऑफ, खाने का ऐप में 20% ऑफ, वैसे करके। इस वजह से क्या होगा, अगर अचीवमेंट्स अलग होगा तो फिर बच्चा जो रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा, बार बार इस ऐप में आएगा। और बाई चांस जैसे इमोशंस के वजह से कुछ बच्चा लोग नहीं करता है, डिप्रेस हो जाता है बीच बीच में, तो बीच बीच में नोटिफिकेशन भेजेगा मोटिवेशन का, जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था लाइफ से रिलेटेड, उस टाइप का नोटिफिकेशन भेजेगा। नोटिफिकेशन भेजने के बाद लाइक वो बच्चा बार बार उस चीज़ के बारे में सोचेगा एंड वो कंसिस्टेंट रहेगा। इसका काम क्या है? हेलो, अरे आने से थोड़ा सा गिरा पड़ा के पता पता उसको थोड़ा बताओ बेटा में हमको पता प्रोजेक्ट के बारे में बताओ बबू है क्या बबू टूट गया साहब एक वीडियो कट कर दीजिए ये जो प्रोजेक्ट है ना एक टाइप का जेसीबी है जैसे ये सामान जेसीबी नहीं क्रेन है हाइड्रोलिक क्रेन है जो सामान कंपनी में पहले बता जेसीबी है ना क्रेन क्रेन ये यहाँ से क्या है
कार ये सब रिले है ना, टाइमर है क्या? दिस इज अ सर्वो मोटर, ये जो है जो परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई सामान ये सामान ये देखिए होने के बाद लंच कर लिए, लंच कर लिए पकड़ लिया। तो नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए। तारापुर स्कूल, तारापुर स्कूल एग्रीको 3 नंबर। एड्रेस इज कहां बताइए इसको ना, इसका देख लिया, मतलब घूमता है हवा में सही से, पूरा एकदम घूमता है, बहुत ज्यादा हवा है। पंखा वाला सिस्टम में ज्यादा अच्छा है ना, ये वाला सिस्टम उसमें क्या होता है कि इतना बड़ा होता है, बहुत ज्यादा जगह भी लेता है, उसमें कॉस्ट भी लगता है उसको बनाने में, क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगने से क्या होता है कि खर्चा बढ़ जाता है, तो कोई उसको एफोर्ड नहीं कर पाता है। इसमें क्या है कि ये बहुत ही कम स्पेस लेता है, कोई भी आसानी से घर का छत पर लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जैसे कि गाँव वाले एरिया वहाँ पर हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से सप्लाई नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा बड़ा पावर प्लांट उसमें बैठाना पड़ेगा, उसको ट्रांसमिट करने के लिए वायर सब चाहिए होगा, तो सब के लिए उससे अच्छा कि हम लोग ये छोटा सा सेटअप बना के इसी से हम लोग जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी, और ये जितना पावरफुल लाइट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये ब्लेड जो सीधा रहेगा थोड़ा सा एंगल कर दीजिए, हाँ वो थोड़ा सा वो ऐसे रहता है, कोई भी कीजिएगा तो जैसे पंखा का ऐसे ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। क्लीयरेंस कैसे, वो क्लीयरेंस कैसे, हवा कैसे काटेगा, वो थोड़ा सा ऐसे बोला ना, टेढ़ा है, क्लीन तो उससे उससे दिक्कत है, सिस्टम वही तो होता है हर चीज में, इसमें तो प्लेन में आपको घूमेगा ही, हाँ प्लेन में, ठीक है, ये बस ऐसे दिखाने के लिए, हाँ तब ठीक है, मतलब हम बोले उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखे कि नहीं, हाँ प्रोजेक्ट में भी कॉन्सेप्ट हम समझ है, जो बोल रहे हैं समझ, हवा नहीं कटेगा तो राउंड में उसी में घूमेगा, हवा को काटने के लिए विषय है, काटने क्लियर होकर जाएगा ना कौन स्कूल है? टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट, चलिए बताइए क्या है प्रोजेक्ट देखो ना, वो ड्रिलिंग मशीन नहीं ऑन कर अंदर जैसे कि सर अभी पब्लिक टॉयलेट में बहुत बड़ी समस्या है कि पेशाब करने के बाद कोई फ्लश नहीं करता, ठीक ना, फ्लश नहीं करता, तो हम लोग उसी को लेकर हम लोग एक सोल्यूशन ये किया जो कि हम लोग ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है, हम लोग जैसे ही हम लोग नज़दीक जाते हैं जैसे अब गए खुदा है पेशाब करके ऑटोमेटिक फ्लश हो गया, सेंसर लगा है, बहुत सेंसर लगा है, आया सेंसर लगा हुआ है आपका सर, तो आपका सामने कोई लगाया हुआ मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल, ये वाला क्या है सर? ये आपका बेंच ड्रिल है सर, जैसे आपका मोटर कितना है, एक मोटर 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट कितना के मोटर, हाँ कितना एम्पियर का, एक एम्पियर का, ए सप्लाई तो अभी एक एम्पियर दे रहा, स्पीड होगा भयानक स्पीड है, घुमाया हुआ अरे कि ना सप्लाई एक एम्पियर का, 32 वोल्ट एक एम्पियर, 12 वोल्ट तेज घूम नहीं रहा, मोटर आउट आउट है साउट से, उसी लिए वाइब्रेशन हो रहा मोटर में, ना ना स्पीड घूम रहा आउट घूम रहा है उसी लिए वाइब्रेशन हो रहा है, सीधा नहीं है। ये क्या है, क्या बताइए? ये सर अपना कॉलेज का मॉडल है जो बना है, आप भी हैं क्या? टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट, केरला पब्लिक स्कूल, क्या है स्मार्ट हेलमेट और स्मार्ट ब्रिज के बारे में बताइए। मीन्स ये स्मार्ट ब्रिज है, मीन्स कहीं भी देखेंगे कि बाढ़ आता है तो ब्रिज टूट जाता है, तो ये ऐसा ब्रिज है कि बाढ़ आने पे इसमें जो सेंसर है वो सेंस करके ब्रिज को ऑटोमेटिकली अलार्म देगा, पहले होता रहेगा फ्लोटिंग, हाँ पूरा वो उठा देगा ब्रिज को, ताकि और पानी अगर आए तो वो ब्रिज डूबे ना, ब्रिज और ऊपर हो जाए डूबे ना, जिसकी वजह से सरकार जितना पैसा खर्च करे वो बच जाए, वरना ब्रिज ऐसे तो टूट जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है सरकार का। और ये स्मार्ट हेलमेट है, मीन्स इस हेलमेट को पहने बिना कोई भी व्हीकल स्टार्ट नहीं होगा, अभी बाइक को जैसे स्टार्ट किए और जब हेलमेट पहनेंगे
तभी व्हीकल स्टार्ट होगा। और अगर कोई भी बीच रास्ते में अगर उतार देता हेलमेट तो बाइक नहीं चलेगा। जैसे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट दोनों। देखिए एक मिनट, ये क्या बताइए, बताइए कुछ इस बारे में। सर ये हम लोग का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विलेती, विलेज नॉट लेस देन सिटी। विलेती, विलेती हम लोग इसका नाम रखे हैं, विलेज नॉट लेस देन सिटी। जैसे कि अभी थीम था तकनीकी ज्ञान से जीवन आसान, हम लोग कोशिश की एक विलेज को एडवांस बनाने का। एक्चुअली देखिए होता क्या, इंडिया है एग्रो बेस्ड कंट्री, इंडिया में 70% पॉपुलेशन विलेजेस में रहते हैं, लेकिन आजकल लोग जॉब्स के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए लोग विलेज छोड़ के गांव सिटी आने की कोशिश कर रहे हैं, तो विलेज में लोग कम होते जा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश किए कि विलेज को ही प्रोडक्टिव सेंटर बनाने का, विलेज को ही स्मार्ट बनाने का। तो हम लोग इसमें डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन, नॉलेज ये सब हम लोग यूज़ किए कि ताकि इसको स्मार्ट बना पाए। इसके लिए हम लोग सबसे पहला प्रिंसिपल यूज़ किए हैं डुअल पावर जनरेशन सिस्टम का। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा दिए सोलार एनर्जी प्लस विंडमिल लगा दिए हैं। हम लोग दोनों इसलिए लगा दिए, जैसे कि आज का मौसम है तो सोलार ढंग से ठीक से काम नहीं करेगा, तो उस दिन हम लोग का विंडमिल काम करेगा। तो ये दोनों बारी बारी भी काम कर सकते हैं और साथ में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी खुद जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग BMS में इलेक्ट्रिसिटी खुद से स्टोर कर रहे हैं और पूरे गांव में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग को बाहर से किसी का जरूरत नहीं है, सब मतलब गांव में हम लोग हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हम लोग का फार्म में हम लोग का फार्म में IoT बेस्ड ये हम लोग का काम कर रहा है, मोटर्स पंप्स सब हम लोग खुद ही काम करा रहे हैं, हम लोग कहीं से इलेक्ट्रिसिटी लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे किए स्मार्ट फार्मिंग यूजिंग IoT। यहाँ पे हम लोग सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा दिए हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिए, ये IR मोशन सेंसर लगा दिए। सॉइल मॉइस्चर सेंसर से क्या हो रहा है, मेरा खेत में कभी भी मॉइस्चर का कमी होगा, पानी का कमी होगा, ये मेरा मतलब रुके एक मिनट रुके, मेरा कभी भी यहाँ पे ये IoT बेस्ड है, तो फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग का रेटिंग दिखा रहा है। तो मतलब हम वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, हम घर बैठे अपना फार्म को ऑपरेट कर सकते हैं, अपना फार्म का रेटिंग ले सकते हैं कि मेरा फार्म में क्या हाल है, मेरा फार्म में पानी का कमी है, टेम्परेचर प्रॉब्लम हो रहा है, ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम हो रहा है, हम सब अपने घर बैठे देख सकते हैं। फिर जैसे कि हम बताएं IR मोशन सेंसर लगा, तो मेरा फार्म में कोई अनवांटेड चीज़, कोई इंसान, कोई जानवर ऐसा कुछ घुस गया, तो फिर ये वाला बजर बजाने लगेगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई घुस गया रात बिरात में, तो फिर हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये हम लोग हो गया स्मार्ट फार्मिंग। तो हम लोग इसमें कंट्रोल कर रहे हैं लैपटॉप में, इसको हम लोग फोन में भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी में भी, हम लोग यहाँ बड़ा स्क्रीन में दिखाने के लिए लैपटॉप में किए। फिर उसके बाद हम लोग का ये कैनल्स और रिजर्वर्स, गाँव में एक्चुअली क्या होता है कि पानी आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, पानी आता है विलेजर्स को वेट करना पड़ता है, पानी आएगा तो फिर हम पानी वहाँ से रिजर्वॉयर में फिल करेंगे, बाकी काम के लिए पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पानी जब भी छोड़ा जाएगा कैनल में, मेरा पानी जैसे मेरा कैनल में पूरा फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिजर्वॉयर में आ जाएगा, फिर रिजर्वॉयर से फार्म में, कैटल्स में, हाउसेस में, जहाँ जरूरत है सब जगह ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये काम हो गया मेरा कैनल्स और रिजर्वॉयर्स का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लगाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कभी मान लीजिए कैनल में पानी नहीं आया या पानी का कम पड़ गया, तो फिर हम लोग उस टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पानी स्टोर रहेगा वो यूज आ सकता है, उससे हम लोग का विलेजेस का काम चल सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लगाए स्ट्रीट लाइट, उसको ऑपरेट करके दिखा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ लगाए स्ट्रीट लाइट, जैसे रात होगा ऑटोमेटिक हम लोग का विलेज का स्ट्रीट लाइट जल जाएगा, सेंसर है ना, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जैसे यहाँ हम अंधेरा कर दिए, मान लिया रात हो गया पूरा लाइट जल गया, सुबह हो गया लाइट बंद हो गया, जल गया बंद हो गया, इसमें क्या होता है यहाँ पे किसी इंसान का प्रेजेंट रहने का जरूरत नहीं है, जैसे रात हो जाएगा ऑटोमेटिकली जल जाएगा, सुबह हो जाएगा बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लगाए हिंड्रेंस टावर, क्योंकि ये जो विंडमिल वाला टेक्निक है ये इंडिया का नहीं है, यूरोप का है, तो हम लोग कोशिश किए कि यूरोप का आइडिया है इंडिया लाके एस्टेब्लिश करने का, इंडिया को उस तरीके से आगे बढ़ाने का। सोलार तो इंडिया का है ही, प्लस कुछ आइडियाज हम लोग बाहर से भी लेकर आए हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे रात में क्या होता है, प्लेन्स एंड ऑल आएगा ना,
तो फिर हो सक ये विंड मिल बहुत हाइट होता है इसका, प्लेन्स एंड ऑल आएगा तो क्या पता इसे टकरा जाए, इसलिए हम लोग एक टावर लगाए जो देखिए इससे इस हाइट में थोड़ा बड़ा है, ऊपर हमने LED लगा दी है ताकि रात में कोई प्लेन विन आए तो फिर इसमें क्रैश ना करे, मेरा विंड मिल खराब ना हो, इसलिए हम लोग वहाँ पे हिंड्रेंस टावर लगा दिए। प्लस इससे देखिए इससे जो मेरा वोल्टेज आ रहा है जिससे मेरा वो चार्ज हो रहा है, यहाँ पे देखिए LCD होगा उसमें वोल्टेज दिखा रहा होगा, दिखा रहा है हाँ, वो मेरा वोल्टेज, उस वोल्टेज से मेरा चार्ज हो रहा है, उससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है। तो इस तरह हम लोग कोशिश की एक विलेज को स्मार्ट, हाँ एक विलेज को स्मार्ट बनाने का, प्रोडक्टिव सेंटर बनाने का। ये वाला बताइए, ये वाला लंच पे किया है प्रोजेक्ट मॉडल, ये मॉडल एक्चुअली है क्या कि ये एक ऑब्स्टेकल डिटेक्शन कार है, ये एक कार ही नहीं है, ये एक क्या है कि जैसे कि इसमें एक ट्रांसमीटर रिसीवर का काम किया गया है। इसमें होता क्या है कि आपका जब जो भी घर में आप जो भी डस्टबिन रखे हैं वो जब फिल हो जाएगा, ये कार क्या करेगा ऑटोमेटिकली जाके सेंस करेगा, वो डस्टबिन को एक मैकेनिज्म से लिफ्ट अप करेगा और क्या करेगा, जो मेन डस्टबिन है हमारा ये डस्टबिन में जाके डंप कर देगा ये कार, जितना बार भरेगा ये उतना बार अप एंड डाउन कर सकता है ये कार। थैंक यू। कौन ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IDTR इंडो डैनिश टूल रूम गमरिया गमरिया। तो हम लोग उसका मेगाट्रॉनिक सेकंड ईयर का स्टूडेंट्स हैं। उसमें कौन-कौन सा ट्रेड अभी चल रहा है, डाई मेकर अभी चलता है, टूल एंड डाई चलता है, मैकेनिकल चलता है, मैकेनिकल और टूल एंड डाई को कंबाइन कर दिया गया है, अलग अलग था ना, अब दोनों साथ में स्टूडेंट्स है उसका, और हम लोग जिस ट्रेड से वो मेगाट्रॉनिक्स, वो एक अलग ट्रेड है। थैंक यू।